सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह वापस आ गए हैं सुबह की दुनिया दिखाने के लिए सीकर की आपको। और यह देखिए आज हम कहाँ पहुँचे हैं, यह है शोभाना जोड़ा, जो कि शामपुरा जो बाजौर से जो पिपराली के बीच में जो गांव है वहाँ पे ये स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभाना जोड़ा शामपुरा पूर्वी पिपराली पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। और आज जो हमारा प्लान है वह एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूट रहेगा। तो यहाँ से हम शामपुरा पूर्वी से शुरू करके हम जाएंगे एक राजपूतों की ढाणी दुर्गापुरा के अंदर स्थित है, उससे देवला नाड़ा जो कि वह भी पिपराली बाजौर सड़क पर स्थित है, वहाँ पे एक अंदरूनी सड़क है कच्ची, उसके ऊपर हम चलेंगे और देखेंगे सुबह की दुनिया। तो बने रहिए DPSP के साथ में, क्या मिलता है आज। ये देखिए मूंगफली की फसल, दो बारिश के अंदर ही इनकी बहुत ही जो है पैदावार बढ़ चुकी है ज़बरदस्त वाली। बाकी जो पाइपों से पानी देते हैं तो देते रहो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है ईश्वर की लीला, ईश्वर की माया। आप लगे रहें जमीन के अंदर से पानी निकालने में। आम का पेड़ देखिए, प्यारा सा बंच, वाह बहुत ही सुंदर। और यह रोड अब जा रही है बगड़ियों की ढाणी को कनेक्ट करेगी। इस बगड़ियों की ढाणी से फिर हम लोग जाएंगे राजपूतों की ढाणी जो कि दुर्गापुरा पंचायत में है, वहाँ से फिर हम जाएंगे देवला नाड़ा। लेफ्ट साइड में जो मूंगफली है ये थोड़ी सी पहले उगाई गई है, राइट में थोड़ी बाद में उगाई गई है। फ़र्क इतना सा है, कुछ लोग जल्दी चेत गए, कुछ लोग थोड़ा सा लेट चेते हैं, लेकिन होता क्या है, कोई भरोसा नहीं होता है, बारिश आ भी जाए नहीं भी आए तो ये सारा का सारा लक उसी पर डिपेंड करता है बरसात के आने पर। ये देखिए ये शायद ब्रिंजल होना चाहिए, नहीं ग्वार है, ग्वार, वाह शानदार बोलेरो कलेक्शन करके शानदार मस्त। ये देखिए भाग्यशाली गोवंश खेत के अंदर भी जिसको मौका मिला है चरने का, ईश्वर ऐसी भाग्य सभी का, सारे गोवंश का बनाए, ईश्वर के बनाए हुए हैं ये भी सारे। ये देखिए अनुमोदन किया इस गा माता ने, ये आगे एक नंदी। चलते रहिए शामपुरा पूर्वी के से निकल के हम जाएंगे अब बकड़ियों की ढाणी वाली जो बाईपास है जो कि टोड़ी माधोपुरा से मेहरू जी मोड़ तक जाती है, और एक बहुत ही शानदार सड़क है। राम राम सा। ये देखिए कटिंग वटिंग हो गई है भाई साहब खरपतवार की, बहुत ही प्यारा। भाई साहब से पूछते हैं जय राम। अब भाई जी सुबह सुबह थे तो उपाड़ लिया, पर कई लोग तो उपाड़े ही को नहीं आई पड़े रहे पूरा साल ही। अब का है यार, खूब लाग गया इन्हें, काहे किया करे इन्हें, कौन सा पौधा है, बहुत ही बेकार। ये देखिए भाई साहब से प्रेरणा ले, पूरी जो ये खरपतवार उखाड़ दी है इन्होंने यहाँ से, इस तरह इनको हटा दो यार, वरना ये क्या फिर फूल लगेंगे। और बाकी वापिस जो है ना, ये आपके जो आवश्यक है ना जहाँ खेत के अंदर, उसको आप जो है ये है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्लीज़ यथासंभव उखाड़ दें जब तक मिट्टी गीली है। और देखिए आप देखिए गेंदे हजारे के फूल, गुहार के पेड़ पौधे इधर भी लगे हुए लेफ्ट में, बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन गुहार में एक प्रॉब्लम होती है, खेत के अंदर आप घुसोगे ना तो इसमें बहुत बारीक से जो है कांटे भी नहीं होते हैं, बट ऐसे ही कुछ होते हैं प्रॉब्लमेटिक। ये है सर देखिए, आ जाइए अब। तो सोच रहे हो कि बरसात आ गई, जब चढ़ूला नहीं भी सड़क पर पक्की पर तो चला करूँ कई बार। मजो तो आओ, ये कहीं गुहार की कर रहे हो गए तोड़ो, कहीं भाव जा रहे थार कन गुहार आजकल 70-80 थाने मिल जाएगा 70-80। चलो चलो बढ़िया, ठीक है भैया ओके। ये है सर फसल जो है इनकी तैयार है, और भैया फलियां तोड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कई बार सोचा कि इस सड़क से जाऊं, लेकिन उस टाइम क्या मिट्टी होती थी यहाँ, अब आज हमें इसका बेनिफिट हुआ है बारिश का। ये देखिए कच्ची सड़क, साइकिलिंग आप अगर करते हैं और देखिए अगर बारिश हो जाए फिर आप पक्की सड़क छोड़ के कच्ची पे आ जाओ, इसमें तो मैं तो बहुत आनंदित महसूस करता हूँ और आप भी करेंगे ऐसा मेरा मानना है। देखो आप ग्रीनरी। बहुत ही प्यारा अनुभव, कांटों का ध्यान रखें बस यही है, कच्ची सड़कों पे क्या है बारिश से बह बह के कांटे बीच में आ जाते हैं,
ऐसी संभावना रहती है कि पंचर हो जाए। हमें तो क्या है कि 4-5 साल हो गए तो पता है कहाँ कहाँ कांटा है। आज है 5 जून 2024 और 5 जून 2024 की सुबह सीकर शेखावाटी की दुनिया, और ये देखिए बस जस्ट थोड़ी सी देर में हम टोड़ी माधोपुरा से बैरूजी पुरोहित का वास वाली जो रोड है उस पर आ जाएंगे। चलते रहिए। यह देखिए, यह एक खेत है जो उस हाईवे से देखते हैं ना तो बड़ा प्यारा लगता है, टीले पर स्थित दिखता है, लेकिन आज हम टीले पर चढ़ गए। इस बंदे ने इतने पेड़ लगाए हैं, देखिए इतने पेड़ लगाए हैं, एक मतलब शूटिंग स्पॉट है ये। मेरा रिकमेंडेशन है जो भी सीकर शेखावाटी को प्रमोट करते हैं, बढ़िया है, जिनको अगर कोई पहाड़ नुमा या इस तरह का चाहिए कि भाई साहब ऊंचाई पर स्थित कोई स्पॉट हो जहाँ पे वृक्ष भी खूब हों, तो इन भाई साहब से परमिशन लेकर यहाँ पे शूटिंग ज़रूर करें। और वृक्षारोपण के प्रति जो जागरूक समाज है उनको हम दुनिया को दिखा के उन्हें सम्मान प्रदान करें, ये ऐसा मुझे लगता है। देखिए अब लो, इतने पेड़ लगाने के बाद भी बंदे के खेत में मूंगफली तैयार है, देख लो आप। ऐसा नहीं होता कि साहब नहीं होगा, पेड़ उसकी फसल को होने नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल। तो अभी सामने सड़क, पक्की सड़क, अब फुल स्पीड से चलें। और ये लो, दो किंगफिशर बात करते हुए आपस में, तार पे बैठे बैठे स्वागत करते हुए DPSP का। चलते रहिए और मेन रोड पे मिलिए। यह लीजिए साहब, सपना हुआ साकार, बारिश में जमी हुई मिट्टी पे अपने SPX को मौका मिला। ये देखिए, ये है पीछे वो वाला टीला जिसपे बहुत सारे हजारों पेड़ लगा रखे हैं भाई साहब। ये अड़ा के एक और है, जब देखो खाली प्लॉट, बिल्कुल पेड़ ही नहीं। तो ये चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी बैठेगा काम, ऐसे नहीं बैठेगा। इधर जंगलात बहुत ही प्यारा, ये सारे जो आपके शाकंभरी जाते हैं वो वाले पहाड़, और इस सड़क से पीछे तो चले जाएगी टोड़ी माधोपुरा और इधर जाएगी आपके पुरोहित का वास। लेकिन हम एक बहुत ही पहले कच्चे सड़क में एंटर कर जाएंगे ताकि राजपूतों की रानी होते हुए देवला नाडा तक का जो ग्रामीण जीवन है जो अछूता है, आज तक किसी ने भी उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं है, वह हम आपको दिखाएंगे। पक्षी की आवाज़ देखिए, ब्यूटीफुल, वाओ। DPSP बोल रहा है, एक्चुअली आप समझो इसको, बोल रहा DPSP से अफेक्शन है इसको भी। एक होम के बीच में हाउस, सब जगह ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ उगाया नहीं है, तो बारिश की वजह से कटा हुआ है सड़क पे, देखिए मिट्टी डाल दी गई है। चलिए बढ़िया है, बारिश के बाद में जो सड़कों पे कटाव भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल जो है ठेकेदार के अच्छे प्रयास हैं कि भाई मिट्टी डाल दी जाए। और ऑगी और उसका बड़ा भाई जैक भी इधर से जाता, तो वो भी कहते बढ़िया है, अच्छा है। संरक्षण आवश्यक है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सुबह का जीवन सीकर शेखावाटी, बादलों के अंदर सूर्य छुपे हुए। यहाँ पे एक नोटोरियस डॉग है, भौंकेगा तो बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही नोटी है वो, रोड पे आने की हिम्मत नहीं होती, बस अंदर से ही भौंकता हो। ये देखिए ऊँट के ऊपर लकड़ी लाद के, ऊँट के नाक के ऊपर एक फूल है। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। फूल तगड़ो लगा रहा क्या ऊँट का नाक पर? नमस्ते डियर, क्या हाल है? और इलेक्ट्रिक गाड़ी का आनंद ले रहे हो? सर बारिश बारिश में तो मिट्टी विट्टी गीली हो जाती है, तो साइकिल ले एक बढ़िया सी। तो लाएंगे सर, लाएंगे। हाँ साइकिल लाओ, बढ़िया है ना। आपसे बात करनी थी 2 मिनट। बताओ बताओ, चलते चलते कर लें।
दिन में वीडियो डालूंगा। तो वो अगर आपका वही ही खेत है तो उसके तो साइड वाला नहीं, इधर जो मूंगफली वगैरह जो साइड में इधर घर थे, हां हां घुमाओ इधर घर, वो है इस तरफ वाला। ओके नहीं चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, करना चाहिए। अब देखो क्या बड़े परेशान होते हैं लोग, पानी नहीं है फिर भी है जो कटिंग वटिंग पेड़ काट के मजे के। एक बार आप आओगे, अगली बार आओगे तो वो खेत में घूमेंगे मूंगफली वगैरह वो। श्योर 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 श्योर। ये है सर, देखिए इनको भी बड़ा उत्साहित, ये उत्साहित हुए हमारे प्रयासों से, अभी हमें दिखा रहे हैं। और इन्होंने ऑफर किया है कि भाई आप आके चाय वगैरह नाश्ता कीजिए, लेकिन हमने इनको वादा किया यार हम लेट हो जाएंगे हॉस्पिटल पहुंचने में, तो आप हमें जगह दिखा दीजिए, हम जरूर आएंगे आपके पास में। तो एक बार हम वापस यू टर्न करके इनका घर देख दिखा देते हैं आपको। ये वापस वो ऊँट आ गया है, और एक फूल शानदार है, बहुत ही प्यारा है। इसके नाक पे फूल रखा हुआ है ऊँट के, डेकोरेटेड है ऊँट। चलिए ये देखिए भैया एस्कॉर्ट करते हुए, वो देखिए वो जो पेड़ हैं देखो बड़े क्या प्यारे लगते हैं, है आड़ू के पेड़, लेकिन जो यहाँ के वातावरण में अच्छे से हो ना वही लगाना चाहिए, अननेसेसरी का पेड़ लगाने में हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोई पेड़ हम नहीं लगाएं जिसको हम संरक्षित नहीं कर पाए, क्योंकि कई पेड़ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं संरक्षित। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारी बाइसिकल बराबर संघर्ष करते हुए, ब्यूटीफुल वापिस आ गए। ये वाला है ना, चलो ठीक है मैं फिर आऊँगा यार दादा, है ना। दो मिनट लगते शादी में सर। अरे दो मिनट लगेंगे सर। अरे अब यार ऐसा आग्रह है कि भाई हम टाल ही नहीं पाए, हम ये इधर वाली सड़क से जा रहे थे तो इनको मैं दिख गया, इन्होंने रोका भी और लगभग एक किलोमीटर चेज करके मेरे को वापस ले आया। ये होती है गाँव की सुंदरता, इंट्रैक्शन करने की जो इच्छा होती है। देखिए बड़ा प्यारा सा लॉन बना रखा है आपने, और पेड़ पौधे देख के आपका भी जी हरा हो जाएगा। आम के पेड़ हैं, शहतूत के पेड़ हैं, वाटर टैंक, पशु पक्षी और प्यारा सा सुंदर सा फॉर्म हाउस, पपीते के पेड़, बहुत ही प्यारा यार। नाम क्या आपका? तरण सिंह। पंकज जी चोटिया, अच्छा डॉक्टर हैं और एसके हॉस्पिटल में, एसके हॉस्पिटल में उनके खेत में भी उन्होंने घर पे लगा रखे पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो बढ़िया चीज़ है यार, देखो अच्छी तो इतना सुंदर लगता है ये स्पॉट। आप इस रोड से जो भी गुजरेगा ना उसको ये स्पॉट हमेशा याद रहता है, क्योंकि इतने पेड़ हैं यहाँ देखो आप, ये जो है ना मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ता भूल गया भाई सब, ये ऊँट बेचारा, वह कोई बात नहीं, ईश्वर इनको पथ का जो है सही दिशा दें ताकि ये अपना कार्य कर सके। बेचारा निरीह जीव है, इतना वजन लेके घूम रहा जबरदस्ती, खेल रहा बजा दिया और चलते रहिए चलते रहिए आप राजपूतों की ढाणी की ओर, हम बढ़ेंगे आगे और दिखाते हैं। ये देखिए स्टैंड है, एक छोटा सा विकसित हो रहा धीरे धीरे, ये एक दुकान है प्लस एक स्टैंड है किराना स्टोर, ये है मंदिर है साहब भाई साहब, ये भी कोई वो है देवता का देवरा, ये कोई पुरानी स्कूल है, भरगढ़ों की ढाणी है, ये भरगढ़ों की ढाणी है, भरगढ़ भरगढ़ हैं। और ये देखिए दो बाबा जी हमेशा मिलते हैं इस मकान में, ये बाहर बैठे हुए चर्चा करते हुए, बहुत ही प्यारा। राम राम सा। ये देखिए साहब यहाँ भी बारिश वारिश तो बढ़िया हो ही गई ऐसा लग रहा है, ऊंचाई पे स्थित है भरगढ़ों की ढाणी में स्थित है, बेड़े बनाए दिए। वाह साहब जोड़ी था कि तगड़ी है तो हमेशा अठे ही बैठे रहा, देखो जब भी जावा जद अठाऊं भाई हो दोस्तों। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं पीरों भी गया, पीरों गया चार पाँच दिन पहले, जब भी दो नहीं आप बिरा दो बिरा दो दो तीन दिन पे ऐसी बिरा दो। बारिश वारिश कतरी कहीं ठीक होगी कि हुई थोड़ी? बारिश तो ठीक हुई है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, चाय बनाए? नहीं नहीं बाबा जी चाय नहीं, मना अरे कोई पड़ोस में मित्र हैं कोई, बड़े जस्ट पी के आया हूँ बस, आधार है ही ले गए। तो ये है सर मामा भांजा की जोड़ी, और देखिए सुकून और सुख और आनंद और का जो भाव है
और मेहनत की ये कैसे प्रॉब्लम, कल मौसम में इन्होंने कहा खराब हो गया, तो ये कैसे प्लानिंग करेंगे अब बिजाई विजाई की, तो ये प्लानिंग बढ़ा रहे हाँ। ये देखो सर ये भी है, सारी चीजें जो है समझनी पड़ती है, अब थोड़ी सी सूखे ना है, दो निनाड़ निकले तब निनाड़ निकलेगी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बाजरों का बतने थारा था तन दंत शुरू जो करा देना, ये मौसम देख रहे, ये देखो सर भावना इनके जैसे एक फसल खेती भी कर रहे हैं ना, तो ये सभी तो दुनिया के लिए इनकी चिंता है, स्वयं की चिंता नहीं है, यही भावना हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आदमी जब काम करता है ना तो दूसरे के हित के लिए और दूसरे के फायदे के लिए सोच के काम चालू करता है ना, काम करना जरूरी है, वो सुखी भी होता है और मन भी उस खराब हो जाए तो दो बड़ी देखिए, वैसे तो क्या खुद के लिए ही करता है इंसान, लेकिन देखिए जो भाव है ना कि साहब जो आप हमको, हम किसी को बाजरा दें तो कम से कम क्वालिटी तो ठीक हो रही है। डॉक्टर जी खेती महंगे बहुत बड़ा 10,000 रुपए अब कितनी फसल हो रही है, बाकी तो किस्मत की बात है, बरसात पर है सारो, बरसात पर मेहनत करो लाने तो रिजल्ट तो आओ लो बाबा जी, कोई बात नहीं, आई देगी आई करेगी पूर्ति, ऐस घाटा देगी तो अगन पूर्ति कर सी, बस 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 आइए ठीक है बाबा जी, फिर आऊंगा मैं जरूर, चाय पीर जैसे है ना, हाँ ठीक 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 है ठीक है। ये देखिए यार ये मस्त, हाँ नहीं बिल्कुल सही है ये है सर, देखिए बुजुर्गों से मिलेंगे तो खेती के भी टिप्स मिलेंगे, भाई निनाड़ कब करनी चाहिए, अपने को तो पता ही नहीं यार, ABCD नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता, सीखने के लिए निकले। ये देखिए आपकी SPX, ये अब हम पकड़ेंगे रास्ता राजपूतों की डाणी वाला, चलो वाह ये देखिए आप मेहनत करने का मज़ा ही अब है बारिश के बाद में, ये आ गई वो चढ़ाई देवला नाडा की तरफ, हम लोग अब निकलेंगे, डरना नहीं है मेरे भाई, चलते रहियो हिम्मत बना के, बर्ड्स की आवाज सुनो यार, देखनी नहीं होती आसो आवाज सुनने की होती है, पैरट घुसली विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने स्वागत किया, ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आपके वेट में ही सब ये देखिए हमिंग बर्ड छोटी सी, वाह जोड़ा हमिंग बर्ड का, पैरट, सभी लोगों ने आपका स्वागत कर दिया है, किसी में इसमें कोई दो राय है नहीं, चलते रहिए बने रहिए और देखते रहिए। यह थी आज की हमारी टारगेटेड सड़क विजिट की, भरगड़ों की ढाणी, शामपुरा पूर्वी से भरगड़ों की ढाणी, भरगड़ों की ढाणी से राजपूतों की ढाणी, ये लो सड़क कट गई साहब, ये लो बच के, अरे यार खतरनाक ही खड्डा था, रात को भाई साहब इधर से नहीं आए, मुश्किल सड़क है वाह भाई वाह शानदार। ये देखिए आप स्पीड देखो गाड़ी की आपकी यार, DPSV की मस्त मिट्टी जब बारिश में जमते ही क्या मस्त मिट्टी हो जाती है, देखो पक्की सड़क से भी मस्त मस्त हो जाती है, ये लो घुसली कमेडी डॉग सभी स्वागत करते हुए, वाह ये देखिए विभिन्न प्रकार के पक्षी देखिए अलग अलग कलर ब्यूटीफुल बहुत प्रतीक्षित। ये देखिए इन्होंने रिस्क नहीं लिया है और बारिश का वेट नहीं करते हुए बिजाई चाल को पानी जो है फ्रिज स्प्रिंकलर सिस्टम से दे रहे हैं, यह देखिए ईंट की दीवार से एक बना हुआ मकान, फिर भी एक छोटा सा फॉर्म हाउस है और सतत बढ़ते हुए आगे ये पाइपलाइन डाल रखी है पानी की, ब्यूटीफुल
लगाइए ताकत, लगाइए जोर, निडर होके चलाइए, कोई डर नहीं है अभी, भगाइए भाई साइकिल को, पैडल मारिए चढ़ाई पे, डरने की जरूरत ही नहीं है। ये लो DPS भी बोल रहा, देखो बर्ड, स्वागत करने वाले खूब हैं, अकेले नहीं हो आप आप सोचो अकेले हो। ये देखो बर्ड, शानदार। यह देखिए बादलों की छाया, वृक्षों का, शीशम के पेड़ों का झुंड। चलते रहिए, यह भी एक फॉर्म हाउस, ब्यूटीफुल फॉर्म हाउस। कृषक बाढ़ का कार्य करते हुए आए। ये देखो, यह एक बालाजी का स्थान। जय श्री बालाजी। कृषि यंत्र, इंटरलॉक सड़क, खाद जैविक, बहुत ही प्यारा। होलिस्टीन एक गाय। चलते रहिए चलते रहिए। ये है सर सुबह का जीवन। सुबह के जीवन का आनंद लीजिए, आज के आनंद की जय लीजिए कीजिए। यह अभी वो ढाणी बहुप्रतीक्षित राजपूतों की ढाणी, ब्यूटीफुल। चलते रहो बने रहो। ये श्यामपुरा पूर्वी से भरगड़ों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी देखिए सर, सरकारी स्कूल राजपूतों की ढाणी, दुर्गापुरा पीपाली। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है यहाँ। फुल पानी है क्या? चलो चलो बढ़िया। नहीं, नेचुरल जो संरक्षण जोड़े जाड़े भी कुछ अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ करते हैं ना। हाँ, जोड़ा है अपने यहाँ पे? जोड़ा तो नहीं, हमारे यहाँ क्या है ना, कुएं की व्यवस्था है। कुएं में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ये कब से है प्रक्रिया, कब से कर रहे हो आप लोग? 2-3 साल से चल रही है। 2-3 साल से, ठीक है। तो वो पानी पीने का काम में लेते हो आप या? पीने के तो वो ट्यूबवेल में आ जाता है, वो पानी ट्यूबवेल में आ जाता है। चलो बढ़िया। कुएं में तो उससे लेवल पे कुछ फर्क पड़ता है क्या आपके? फर्क तो है ही। अच्छा, लेवल नीचे नहीं जा रहा उससे? क्या मतलब, खाली आप पर्सनल यूज के लिए करते हो, खेतों में भी यूज करते हो? खेतों में भी चलाते हैं। तो उसमें जो टूंटियां चलती हैं, जो मतलब आपके जो इसका पानी इकट्ठा कर रहे हो, इससे क्या जो टूंटी जो चलती है उतनी चल रही है, कम हो गई? कम नहीं हो रही है। अच्छा, स्थिर है। वाह यार, ये देखो कितनी अच्छी चीज बताई भाई साहब। बारिश का पानी इकट्ठा करो और उसको देखो यूज करो, इन्होंने जमीन में उसको डाला है और उसको यूज भी कर रहे हैं। अच्छी चीज है, आवश्यक है यार अपने इस एरिया के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बचाएंगे नींद मारे जाएंगे, खरीद खरीद के पीना पड़ेगा पानी। पहले 20 लीटर की टंकी आती थी, वो पानी की जो शहरों में मिलती है ना, फिर उसकी 15 की करी या 12 की कर दी, पैसे उतने ही है ना, वो बेवकूफ़ी बना रहे दुनिया को। अब थोड़े दिन में क्या वो वापस 1 लीटर की हो जाएगी, 30 रुपये भी। चलो अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और फिर मिलेंगे आपसे ज़रूर, ठीक है? हैंडपम्प चले गया अंदर। ये देखिए सर, तो ये है, युवाओं ने हमें एक अच्छी सी चीज़ बताई है कि ये लोग वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। और ये हो गई राजपूतों की ढाणी, सरकारी स्कूल है पीपराली, और ये भी शायद कोई राजकीय भवन है, और ये है एक देवरा है, छोटा सा मंदिर है, बालाजी का होना चाहिए, माता जी का जो भी है उनको प्रणाम। ये आयुष्मान उपकेंद्र है राजपूतों की ढाणी। ये देखिए सर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र राजपूतों की रानी। सुबह का जीवन, बरसात के समय का जीवन, बहुत ही प्यारा अनुभव, और एंजॉय करो ग्रामीण जीवन को। और जो इनके नवाचार है, जो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको ज़मीन में चलाते हैं, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट इन्होंने बताया। इससे इनकी जो सामान्य इनका कैलकुलेशन होता है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, तो वो ये क्या पानी की टूंटियाँ जो होती है ना, तो उससे कलेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इनका कहना है भाई संख्या उन टूंटियों की अभी स्थिर है। ये देखिए सर, स्कूल राजपूतों की ढाणी की,
अध्यापक और छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं। और शिक्षा ही भाई साहब, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दाढ़ेगा, ऐसा हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के जो मॉनिटर थे बनाने वाले, और उन लोगों का यह कहना था। तो शिक्षा वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है यार, शिक्षित होना चाहिए। और सरकारों के इस प्रयास को भाई, छोटी छोटी ढाणियों के अंदर भी स्कूलें खोल दी गई हैं ताकि बच्चे पढ़ पढ़ के जो है बिल्कुल ढाढ़ें उसको। ऐसा दूध जो कि वाइट कलर का नहीं होता, काले अक्षरों से प्राप्त किया जाता, काला काले अक्षरों का दूध है वो, तो जो पिएगा वो दाढ़ेगा। चलिए चढ़ाई आ गई वापस, मारिए पैडल और चलते रहिए, देखते रहिए जीवन को, ग्रामीण जीवन के आनंद लीजिए। वाह डीजे, डीजे वाले बाबू, यह लीजिए सर, शानदार। अब हम देवला नाड़ा तक पहुँचने ही वाले हैं। ये अंतिम में एक गोचर भूमि आ गई है, इसके बाद जो पिपराली से जो बाजूर वाली सड़क है उसके अंदर ये हमें छोड़ देगी। बस पैडल मारते रहो और पहुंच जाओ आप अपने डेस्टिनेशन पे, बालाजी का मंदिर। जय श्री बालाजी। चलते रहिए, सुचारू रूप से कसरत करें, मस्त रहें, जीवन को सुचारू बनाएं। आ जाओ अब सड़क पे, मेन झटके झटके। ये लो सर भरगड़ों की ढाणी, शामपुरा पूर्वी से भरगड़ों की ढाणी, भरगड़ों की ढाणी से राजपूतों की ढाणी दुर्गापुरा, यहाँ से अब हम आएंगे देवला नाड़ा। तो एक ये यू सर्किट हमने बनाया है और हमने दिखाने की कोशिश की है कि बारिश होते ही किस प्रकार से लोग भाग लग जाते हैं खेतों में, या खेती किसानी के कार्य की चिंता में मगन हो जाते हैं। लोगों से भी बातचीत की, लोगों के जो है घर विजिट करने का आमंत्रण भी हमने स्वीकार किया, और शुद्ध छाछ का जो है उन्होंने हमें प्रस्तुत की, उसका भी हमने आनंद लिया और विचारों को जाना उनके। और उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई, बोला सर जो अपने आजकल मोबाइल में हम लोग चेक करते ना स्टेप्स, तो बोला हम खेतों में जब काम करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि शाम को हम चेक करते हैं ना मोबाइल में, तो उसमें पता लगता साहब आज 21 किलोमीटर हमने वॉक किया। तो यार ये है ही, मेहनत करने का जो पैमाना है ना वो है सर यहाँ पे। तो डिजिटल दुनिया में भी प्रवेश कर गए लोग बाग, तो उनको ये भी पता लगने लग गया भी वो जनरली मेहनत कितनी कर लेते हैं, कैलोरीज और वगैरह जो कहते हैं ना, ये वैज्ञानिक जो इसके मापदंड है उनको चेक करने का तरीका भी आ गया है आजकल डिजिटल इंडिया में। डिजिटल इंडिया के अंदर जो डिजिटल जो इंटरनेट डेटा है वह भी सुलभ हो गया लोगों को, और लोग बाग जो है पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन वास्तविक अब हो गया है, मतलब जो पहले कहते थे ना ग्लोबलाइजेशन वो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज ही एक खबर में हमने पढ़ी है, वहाँ अखबार में भी आई है आज, कि चाइना भी इस चीज़ को समझ गया है कि भाई जो हरकत उनके सैनिकों द्वारा की गई उनके संरक्षण में वह सही नहीं थी, व्यापारिक जो है उसमें गतिविधियों में धीमापन आया था, उससे उनको भी नुकसान हुआ है। और अब वो रिलायंस के माध्यम से अपनी जो रिटेल चेन है कोई कपड़ों के, उनकी जो है वो लोग इंडिया में ला रहे हैं, वो आज के न्यूज़पेपर में आई है, दिनांक
5 जुलाई 2024 आज की तारीख है और आज के अखबार में वह न्यूज़ है। चलो अच्छी चीज़ है। वैसे तो देखिए, लड़ाई झगड़े में किसी को फ़ायदा होता नहीं है। व्यापार करें तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, रोज़गार उपलब्ध होता है तो सभी को जो है जीवन स्तर भी बढ़िया होता है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आता है, पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक बदलाव आते हैं जीवन में। अर्थतंत्र है, अर्थ युग है तो अर्थतंत्र आवश्यक है। ये देखिए फॉर्म हाउसेस, प्यारे प्यारे आम के पेड़ सब में लगे हुए देवला नाड़ा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर भी करें और लोगों को और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत ही सस्ता माध्यम है, जिससे कि आप आपके शेखावाटी सीकर से रूबरू हो सकते हैं घर बैठे। और प्रयास हमारे, जितना आप हमें प्रमोट करेंगे उतना ही हम लोग आगे प्रेरित होके और आपके लिए वीडियोस ऐसे लाएंगे। और ये देखिए आ गया देवला नाड़ा। ये भी देखिए पर्यावरण प्रेमी, बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, अशोका वगैरह के, बहुत प्यारा अनुभव। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।